हेलो एवरीवन सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू कैसे हो सब लोग पहले तो ये बताओ और सेवनटीन ऑफ फेब से आप सभी लोगों का एल आई सी डबल ए का एग्ज़ाम है है ना तो सबसे पहले आपको ये भी चीज़ देखनी है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं है ना तो कुछ नया टॉपिक तो तुम लोग शुरू करोगे नहीं तो अगर मैक्सिमाइज करना है स्कोर तो यार मॉक से अच्छा कुछ नहीं है तो मॉक दो हो सके पूरे दिन भर में दो से तीन मॉक दिया करो ठीक है ना क्योंकि अगर आप दो मॉक दे रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चंस या अच्छे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है ना और सॉल्व जरूर करना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना पूरे क्वेश्चन को ठीक है ना और टाइप भी देख रहे हैं ना कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया क्वांट में तो हमको किस तरीके से जल्दी डील करना है साथ ही साथ एक बार और रिमाइंड करा दे इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग है तो अब इसका मतलब ये भी नहीं कि इस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं जो लोग बहुत अच्छे इंग्लिश में प्लीज़ मत करो फोकस बट जो एवरेज हैं भाई क्विज दे दो इसके भी सेपरेट क्विज दे दो क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब पता है ऐसा ना हो कि पूरा ध्यान लगा दिया आपने मैथ्स और रीजनिंग में और आप रह गए सिर्फ इंग्लिश की वजह से तो यहाँ पे ये भी आपको करना है ठीक है ये चीज़ जरूर देखिएगा ठीक है क्वालिफाई करना है। मतलब जो इन्होंने पहले से ही कुछ मार्क्स मेंशन किए हैं वो आपको लाने ही लाने हैं बाकी जो कट ऑफ बैठेगी जो कट ऑफ बैठेगी जब आपका कंपटीशन की बात आएगी बच्चों से तब आपकी आउट ऑफ सेवेंटी में से मार्क्स देखने चाहिए यहाँ पर ठीक है गुड आफ्टरनून रविंदर चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और ये सवाल जो है आपको जो सॉल्व करना है इसको आप एक मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं चलिए मैं आपको एक मिनट का टाइमर लगा देता हूँ ठीक है ना तो एक मिनट बहुत है बहुत है सफिशिएंट है सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम है ये एक मिनट आपके लिए चलिए आपका एक मिनट चालू हो जाता है अब ठीक चलिए आराम से बना लोगे केवल छः लोग हैं यार उनको हमें अलॉट कर देना है बस डेट सेट करो शेयर कर दिया करो दोस्तों यकीन मानो मेरी क्लास में अगर एक भी बच्चा अगर आ रहा है ना आज तो वो विश्वास रखे कि मैं आपको मेंस तक ले जाऊंगा ठीक है ना इतना विश्वास रखो बस ठीक है बाकी मेंस की क्लासेस शुरू करेंगे बट ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करो ये क्लासेस कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी अभी मेन्स मत करो कुछ भी एक बार ये प्री की निकल जाए हम लोग मेन्स भी करेंगे ठीक है ना मेन्स के क्वेश्चंस लगाएंगे इसके लिए ठीक चलिए टाइम एंड हो गया है खूब so, आप सभी लोगों ने बनाया होगा इस क्वेश्चन को ठीक है ना देखिए कुछ नहीं कह रहा कह रहा है देखो हमें थीम पढ़ने से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है बस ये देखो कि मंडे टू सैटरडे लिखा हुआ है हमने लिख देना है डिफरेंट सिटीज़ हैं और डिफरेंट साड़ीज़ हैं दो वेरिएबल का क्वेश्चन है बट डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट नहीं है टू साड़ी बिटवीन सिल्क एंड चंदेरी वी चंदेरी रिसीव्ड आफ्टर वेडनेसडे आफ्टर चंदेरी यहाँ 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 द साड़ी फ्राम पटना इज़ रिसीव्ड इमीडिएटली बिफोर सूरत एंड इमिडिएटली आफ्टर साड़ी फ्राम मद्रास अच्छा द साड़ी फ्राम पटना इज़ रिसीव्ड इमिडिय बिफोर साड़ी सूरत एंड पटना इज इमीडिएटली आफ्टर मद्रास मतलब ये तीनों एक साथ आएंगे जहाँ पर भी जाएंगे ये पैकेट बना के जाएंगे अच्छा बंदनी साड़ी इज़ रिसीव फ्राम आगरा बट नाइदर सिल्क और नॉर्थ फ्राइडे बंदनी पैठानी साड़ी इज़ रिसीव ऑन थर्सडे डायरेक्ट मिल गया लिखो इसको ये अच्छी पॉइंट मिल गई पैठानी साड़ी इज़ रिसीव फ्राम इज़ ऑन थर्सडे ठीक है मूगा साड़ी इज़ रिसीव्ड आफ्टर पैथानी पैथानी के बाद ही मूगा 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 सिल्क साड़ी इज़ नॉट रिसीव अच्छा और चंदेरी तो अब इन दोनों में मुझे चंडेरी और मूगा ही लिखना दो पॉसिबिलिटी बना लो एक बार मूगा यहां लिखो तो कंफर्म चंडेरी ये हो जाएगा और चंडेरी से सिल्क का गैप दो का है एक दो सिल्क और एक बहुत प्यारी बात बोली गई है कि मूगा साड़ी इज रिसीव्ड आफ्टर पैथानी और चलो बनाते हैं एक और पैथानी मोगा चंदेरी एक दो सिल्क ठीक है बना किसी से कोई कमेंट नहीं कर रहा है बना क्या किसी से दिल्ली पुणे आगरा और राधे ने बनाया है तो ये देखो द चंदेरी इज रिसीव आफ्टर हाँ हाँ ठीक है साड़ी फ्रॉम पटना इमिडिएटली ये तो चलो इस बंधनी साड़ी इज फ्रॉम आगरा अच्छा बंधनी आगरा बंधनी आगरा बंधनी आगरा बंधनी आगरा बट नीदर बिफोर सिल्क ओ माई गॉड सिल्क से बिफोर ही बंधनी जा रही है देखो कैंसिल हो गया तो बंधनी बिफोर सिल्क नहीं होगी आफ्टर सिल्क बंधनी तो यहां कौन आ जाएगा आगरा अब तीन का पेयर कहाँ मिल रहा है मद्रास पटना और सूरत एक साड़ी बच रही है इसका नाम बताना जरा कौन मुझे बता रहा है एक साड़ी कौन सी है सिल्क मुझे, मुझे, मुझे है? कंजी कंजी लिख दो कंजी अच्छा सिल्क वाली दिल्ली से नहीं करेगी तो दिल्ली और कौन बचा कौन सा सिटी बच रही है दिल्ली पुणे 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 तो ये बन गया क्वेश्चन सो मुझे लगता है दो मिनट ले लो यार बहुत है क्या कहते हो दो मिनट में हो जाएगा रविंदर बात सही है अगले सवाल में बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने ये है प्लीज नोट डाउन इंस्ट्रक्शंस विच एज गिवेन अबव व्हाट विल बी द आंसर प्लीज कॉमेंट करके बताओ गाइज ये सब छोटे छोटे सवाल इनको तो तुरंत ना यहीं तो ढूंढने वाले होते हैं क्या है आप लोगों का थर्टी सेकेंड्स बिल्कुल बिल्कुल रविंदर बिल्कुल परफेक्ट है इसका आंसर बताओ कह रहा है लॉजिकली डू नॉट फॉलो हमको निकालना एक बात याद रखिएगा एक आता है डू नॉट फॉलो जो आपके सामने है और एक है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो देखा होगा एग्जाम में डज नॉट फॉलो मोस्टली आपने मेंस में और प्री में देखा होगा अंतर क्या है ये डू नॉट फॉलो होता है जब हमें कांड से वाली सिचुएशन होती है कि यार हम कुछ कह नहीं सकते कांड से तो कांड को हम ऑटोमेटिकली डू फॉलो करते हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या होता है हम कंफर्म हैं. हम कंफर्म हैं कि ये तो पक्का रॉन्ग होगा उसको कहते हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ठीक है ना चलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहां पे क्या आंसर आ रहा है जैसे ऑप्शन ई e लिख रहे हैं तो बनाते हैं इसका डायग्राम पहले तो ओनली फ्यू ब्लॉग आर व्लॉग ग ओनली फ्यू ब्लॉग है तो इस तरीके से बना दिया यह स्टेटमेंट डन ऑल लॉग्स आर क्लो ऑल लॉग्स आर क्लॉग्स बनाया ही नहीं है छोड़ दो ऑल व्लॉग्स आर डॉग अच्छा ऑल व्लॉग्स आर डॉग सम का क्या बोला था ऑल लॉग आर क्लॉग क्या नाम दे रखा है चलो खैर कंफ्यूजन करने के लिए कुछ तो कर दे बी व्लॉग सम लॉग कैन बी व्लॉग या इट कैन बी ये तो ट्रू हो रहा है ये ट्रू हो रहा है सम क्लॉग कैन बी अ व्लॉग सम क्लॉग कैन बी अ व्लॉग ये भी ट्रू हो रहा है सम ब्लॉग आर नॉट व्लॉग तो सम ब्लॉग पूरा ब्लॉग उठा के हम ब्लॉग में नहीं डाल सकते क्योंकि सम ओनली फ्यू वाली बात बोली गई तो ये भी ट्रू बोल रहा है सम क्लॉग आर लॉग क्लॉग यहां पर है और लॉग इसी के अंदर है तो क्लॉग का कुछ पोर्शन तो क्लॉग होगा ही क्लॉग का कुछ पोर्शन लॉग होगा ही होगा ना तो ये भी ट्रू है ऑल ब्लॉग आर पूरा ब्लॉग लॉग नहीं है यह है कांड से हो सकता है क्या हो सकता है कांड से तो कांड से वाला क्या हो जाएगा फॉल्स दैट मीन माई आंसर इज ऑप्शन नंबर ई पाए लागू गुरुदेव जयशंकर पाए लागू भाई पाए लागू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड थर्टी सेकेंड्स तथा हम डायग्राम बना लेते हैं ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया सारे हो गए स्टेटमेंट ना सारे स्टेटमेंट हो गए चलो बनाया जाए ऑल मिस्ड कैन बी अ लिस्ट मिस्ड ऑल लिस्ट अगर हम पूरा मिस्ड लिस्ट उठाएंगे प्लीज तो वो कभी नहीं कर सकते ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो गया ये वाला जो ऑप्शन है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो सम डार्ट आर लिस्ट डार्ट लिस्ट नहीं ये तो ट्रू हो गया सम डार्ट आर चार्ट डार्ट एंड चार्ट ये भी ट्रू हो गया बोथ ए एंड ई ये देख लेते हैं ऑल चार्ट आर प्लान ऑल चार्ट आर प्लान ये नहीं दिख रहा तो ये फॉल्स हो गया या कह सकते हो डज नॉट फॉलो अब अब तुम लोग की बुद्धि कहां किस खेत के मूली खाने चली गई नहीं मालूम होप सो आप सभी को इस क्वेश्चन पे मैंने यह बताया था कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो एंड नॉट फॉलो होप सो यू आर वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ एंड आई थिंक आई हैव क्लियर द कंसेप्ट ऑफ वॉट इज द मीनिंग हाउ यू कंक्लूड कि कब हमें डज नॉट फॉलो वाली बात को सुनना है कब हमें डेफिनेटली डज नॉट वाली फॉलो की बात सुननी है जब मैं यहां आया तो मैंने क्वेश्चन इसीलिए सोचा कि इसको लेते हैं तो मैंने यहां देखा अब आप कंफ्यूज हो गए ऑप्शन आ रहा है ए ए ए, ए, ए। बेटा आंसर क्या है हमें तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो तो निकालना नहीं था क्या कहां खो गए तुम लोग यार मेरी बात तुम लोग सुने कि नहीं सुने भगवान जाने राम भरोसे आप लोग हैं ठीक है ना ऐसे ही सवालों में आपका कंसेप्ट चाहिए होता है और एग्जामिनर अपना गेम खेल देता आपको पता नहीं चलता आप कहते हो यार मैं तो सही करके आया था यह है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो और यह है डज नॉट फॉलो ऑल चार्ट आर प्लान यहां चार्ट है यहां प्लान है ये कान से है हमें क्या करें लॉजिकली डू नॉट फॉलो तो हमें डू नॉट फॉलो ये वाला होगा माइ आंसर इज ऑप्शन नंबर ई हाउ मैनी ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर और हाउ मैनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम से अंग्रेजी ज्यादा हो गई है थोड़ी बट कंसेप्ट नहीं बदले हैं आंसर इज ऑप्शन ई e. भाई कमेंट कर दो बता दो कि समझ में आ गया है हम भी खुश हो जाएंगे तुम भी खुश हो जाना थोड़ा सा चलो मैं बताता हूं मैं बताता हूं एक सेकेंड एक एग्जाम्पल से समझाते हैं समझना स्टिल नॉट क्लियर लो हम बताते हैं परेशान क्यों होते हो जब हम है तो देखो वॉट इज द डिफरेंट डज नॉट फॉलो नॉट फॉलो Or definitely does not follow. Now, get the clear concept of def does not follow or definitely does not follow. Now, if in the statement I am saying some A are B. सम बी आर सी एंड नो सी आर डी एंड नो बी आर सी यह आपके सामने आया अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं प्लीज नोट माई थिंग्स कंक्लूजन सम डी आर ए आप क्या कहोगे पहले प्लीज सुनो सम डी आर ए आपका जवाब रहेगा फॉल्स पर फॉल्स की कैटेगरी होती है दो सर ने बताया था डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो दो कैटेगरी ये कौन सी कैटेगरी का कॉन्क्लूजन है ये है कॉन्क्लूजन डज नॉट फॉलो वाला सर ऐसे कैसे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हम तब करते जब हम कन्फर्म होते जब हम कन्फर्म होते कि यह समी आर ए आपका क्या है कभी भी नहीं हो सकता मतलब कुछ डी आपके ए तो हो सकते हैं पॉइंट टू बी नोटेड क्या कुछ डी सम ए तो हो सकते हैं और कुछ डी ए नहीं भी हो सकती सो यह चीज आपकी हो सकती है और नहीं भी ठीक सो यह बताओ तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कब करेंगे आइए अगर कंक्लूजन ये होता डी तो हम इसको बोलेंगे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हालांकि ये फॉल्स भी है ऑफ कोर्स फॉल्स है पर वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्यों क्योंकि हम कंफर्म कह सकते हैं कि डी और बी में हमें कोई भी रिलेशन नहीं करना है बात समझ में आ गई है बात समझ में आ गई है अब सुनो मेरी को बात को ध्यान से बात समझ में आ गई होगी कि इतनी की डिफरेंस कैसे पहचानना है डज नॉट फॉलो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ठीक है बात समझ में आ गई अब चलो कुछ सवाल पे बढ़ते हैं ठीक है ना देखो यहां ने बोला क्या लॉजिकली डू नॉट फॉलो ठीक है अच्छा सिंपल कह रहा है डू नॉट फॉलो है ठीक है ऑल मिस कैन बी लिस्ट

पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज ध्यान से सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बोला है कि लॉजिकली डेफिनेटली नॉट फॉलो लॉजिकली वर्ड को हटा के अगर मैं यह मैंनेटली नॉट फॉलो तब जाके मेरा जो आंसर होता मेरा जो आंसर होता वो ये नहीं हो, ये, मतलब यही होता सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए होता ऑप्शन नंबर ए होता क्योंकि यह सिर्फ फॉल्स है यह हो भी सकता है ऑल चार्ट आर प्लान एक सेकेंड ऑल चार्ट आर प्लान ऑल चार्ट आर प्लान नहीं हो सकते कभी नहीं हो सकते नहीं हो सकते नहीं हो सकते ऑल चार्ट आर प्लान नहीं है फॉल्स है हाँ ये मेरा फॉल्स की कैटेगरी में है ठीक ऑल मिस्ट कैन बी आर लिस्ट डेफिनेटली डज नॉट फॉलो यार इसका आंसर ऑप्शन ए डी आएगा सही है सही है सही है हाँ हाँ डेफिनेटली डज नॉट फॉलो बोला ऑप्शन नंबर ए लेकिन बोला क्या है डू नॉट फॉलो सिंपल तो फॉल्स तो ये भी है और फॉल्स तो ये भी है क्योंकि ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ये पक्का है कि फॉल्स तो होगा ही होगा तो आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है ऑप्शन ए एंड ई सही है जिसने जिसने डी लिखा था सही लिखा था ठीक है ठीक है चलो थोड़ा <laughs> तो सा लिटिल बट हम ही कंफ्यूज हो गया कि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाली लाइन को लेके यहां पे हम डेफिनेटली सोच लिए थे अपने आप से कोई बात नहीं अगर यहां पे सिर्फ डेफिनेटली वर्ड होता तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे डो नॉट फॉलो बोला है तो ऑप्शन नंबर ए भी मेरा है और ऑप्शन नंबर ई भी है दैट मींस ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है ना चलो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए था समझा दिए कैसे हमको पहचानना है डज नॉट फॉलो क्या होता है और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या होता है ठीक है ना चलो आगे देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन को मैं दो मिनट दे रहा हूं बनाओ इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये फैमिली कंसिस्ट ऑफ एट में नन और बोथ ऑफ द पेरेंट आर अलाइव मतलब अच्छा ठीक है चलो ऑप्शन रविंदर बिल्कुल सही बताया था तुमने ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट था ठीक है ना एल हैज ओनली टू डॉटर एक ये एक बोथ नन और बोथ पेरेंट आर अलाइव तो इसकी भी एल्का जेंडर नहीं मालूम ना इसीलिए एल के जो दो डॉटर उनके मैंने कपल्स मतलब माता पिता दोनों बना दिए हैं। ओनली वन डॉटर इज मैरिड टू एस मान लो ये वाली डॉटर जो है एस से मैरिड कर गई तो ये मेल हो गया जे इज मैरिड टू एम हु फादर ऑफ जी जे इज मैरिड टू एम हु इज अ फादर ऑफ जी पी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ जे तो जे की बहु भी बन रही है तो ऐसे भी बन सकता था बहुत सी चीजें बन सकती थी छोड़ दो पी इज द डॉटर इन लॉफ जे वाई इज अ फादर ऑफ एन वाई तो पता भी नहीं कहाँ है नाइदर वाई और पी इज मैरिड टू जी ये लो जी की शादी पी करा के हम नहीं कर सकते इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ भाई बंधु कोई ना कोई है भाई है उस भाई ने शादी की होगी पी से तब जाके पी जो बन गई डॉटर इन लॉ ऑफ जे एन इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस एस की सिस्टर इन लॉ मतलब ये ये दोनों सिबलिंग्स थे ना एस की सिस्टर इन लॉ एन और y इज द फादर ऑफ n n के फादर y मतलब ये भी मिल गया तो ये मदर अच्छा द फैमिली कंसिडर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल अब दो पैकेट तुम्हारे पास दो। दो है दोनों पैकेट को चिपका दो पैकेट हैं दोनों पैकेट को चिपका दो कैसे चिपकाओगे इस तरीके से कि आठ नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड ना करें ऐसे कर सकते हैं कनेक्ट कोई कनेक्शन मिल रहा है क्या बना किसी से पी पति एस हाँ एक एक कनेक्शन मिला अगर इस महिला को उठा के यहाँ प्लेस कर दो देखो पी ठीक पी का पति एस इसका जेंडर नहीं मालूम लेकिन इन दोनों के माता पिता का नाम मालूम है दैट इज़ जे एंड एम हो गए आठ लोग हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल चाहिए था तो जी का जेंडर हो जाएगा मेल बन गया बस ये करना था हाउ जी इज रिलेटेड टू एस जी इज रिलेटेड टू एस ब्रदर वाई इज द डैश ऑफ एल वाई इज़ द हजबेंड ऑफ एल हु एम द स्टेटमेंट इज विच एन यर सिस्टर इन लॉ ऑफ एम नहीं एम इज ब्रदर ऑफ एल नहीं जे इज़ द मदर ऑफ वाई जे इज मदर ऑफ वाई नहीं एस इज सन इन लॉ ऑफ वाई एस इज सन इन लॉ ऑफ वाई हाँ ऑप्शन नंबर डी ठीक है सो आप सभी लोगों का सेम यहीं आया होगा चलिए चलिए ये बड़ा अच्छा पैरा क्वेश्चन है कि कह रहा है इफ वन इज एडेड टू ऑल डिजिट एट द ऑड पोजिशन एंड टू इज सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम ऑल द डिजिट एट इवन पोजिशन यहाँ पोजिशन पोजिशन की बात की तो अपनी कॉपी में नंबर्स लिख लो भैया एट नाइन फाइव फोर एट नाइन फाइव फोर वन एट सिक्स थ्री सेवन फाइव तुम्हें पोजिशन पता है ना एक दो तीन चार अल्टरनेट पे तो अगर हम कहें ये ऑड है ऑड पोजिशन तो ये आपकी इवन है फिर ऑड इवन ऑड इवन ये आपको पता होना चाहिए था सबसे पहले तो लिखने की जरूरत नहीं सब आपके दिमाग में होना है ये आपके दिमाग में होना है अब ऑड पोजीशन पे है वन ऐड कर देंगे तो नौ हो जाएगा इवन पोजीशन पे है दो कर देंगे तो सात हो जाएगा इस तरीके से हमें लेते हुए चलना है हाउ वेन विल बी रिपीटेड इन द नंबर दस फॉर्म दैट्स अब बात समझ में आ गई होगी तो आप पहले जो ऑपरेशन uh, है उसको परफॉर्म कर लो और उसके बाद हमें काउंट कर लेना है कि कितने है। तो नौ सात में अब अब मेंटली नहीं अब ऐसे ही कर दे रहा हूं मैं नौ सात ये छः का हो जाएगा ये दो का हो जाएगा और वन इज एडेड ये दो का हो जाएगा हाँ ठीक है छ सात वन एट थ्री तो नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं देन हाउ मैनी डिजिट्स डिजिट्स को काउंट करो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आपके सामने एक सात को देखा जाए तो रिपीट हो रहा है तो ये एक हो गया ये दो हो गया ये देखा जाए तो ये तीन हो गए और 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 ये तीन ऑप्शन नंबर ई कितने लोग करेक्ट हैं बिल्कुल सही है बिल्कुल रविंदर बिल्कुल परफेक्ट है ठीक है ना चलो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने ये भी आया तो इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा ऑफकोर्स दो मिनट का टाइम देता हूँ और बताइएगा आप लोग में से कितने लोगों ने इस सवाल को दो मिनट में उड़ाया है ठीक है ना बहुत प्यारा सवाल है ये भी और आराम से बन जाने वाला है चलिए ये किसने लिखा रविंद्र हर्षित पाल ने लिखा टू बेटा गलत लिखा है देख लो एक बार कि तुमने कहाँ गलती की है ठीक है ना चलो एनी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नाइन्थ जनवरी ये आपके सामने ईच पर्सन हैज़ ओनली वन डे एग्जाम जी एंड एच एग्जाम इन द सेम मंथ अच्छा अच्छा इकतीस का तो ये मन महीना है इकतीस का तो ये भी महीना है जी एंड एच है मतलब कि जी और एच जहाँ भी जाएंगे सेम मंथ में जाएंगे सी हैज़ एग्जाम ऑन ऑट डेट विच हैव थर्टी वन डेज तो सी और सी ज एग्जाम इन फेवरी बट आफ्टर सेकेंड फेवरी फेवरी में होगा बट आफ्टर सेकेंड मतलब ए यहाँ और ए यहाँ इन दोनों में कहीं ना कहीं ए हो सकता है वन परसेंट बिटवीन जी एंड एच ओके मतलब जो भी होगा जी एंड एच वन का गैप होगा ओनली टू परसेंट जी एंड एफ ई हैज एग्जाम बिफोर बी ओनली टू परसन है डी वन टू डी वन टू डी एक बार बताओ जी और एच के बीच में वन पर्सन है और दोनों सेम मंथ में होंगे तो जी एंड एच यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो सकता जी एंड एच यहाँ पॉसिबल नहीं हो तो जी या एच जी या तो एच अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी जी या तो एच जी या तो H. एक एक बहुत प्यारी बात कि फेब में ही ए आएगा पर दो के बाद तो ए और ए और जी से जी और एफ के बीच में दो का गैप जी यहाँ रखे होते तो एक दो करके एफ नहीं आ पाता तो इसका मतलब एच कन्फर्म जी कन्फर्म एफ जी एक दो एफ नहीं लिख पाते नहीं एक दो एफ और अगर जी यहाँ होता तो एक दो एफ नीचे नहीं आता और ऊपर नहीं आता तो हंड्रेड परसेंट एच और जी और क्या बोला है थ्री पीपल बिटवीन आई एंड ए ए एक दो तीन आई नहीं आएगा एक दो तीन आई एक दो तीन आई नहीं आएगा एक दो तीन आई नहीं आ पाएगा हटा दो बन गया और बोला है कि ई हैज़ एग्जाम बिफोर बी ई यहाँ आ जाएगा बी यहाँ आ जाएगा कितनों का बन गया ये बता दो मैंने थोड़ा टाइम ले लिया दो मिनट थर्टी सेकेंड्स लिया ताकि शायद मैं समझा भी रहा था बोल भी रहा था ना इस वजह से मैं भी टाइम लग गया होगा रविंदर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बन गया रूपा सिंह चलिए एक ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगेन आपके सामने आया है दो मिनट का टाइमर इसमें भी देते हैं हम ठीक है ना ये रहा टाइमर चलिए डन चलिए देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि देखिए सेवन पर्सनस हैं ए सी जी एल एन क्यू टी आर पोस्टेड इन अ पुलिस स्टेशन ठीक है अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अवलदार सबेदार कैप्टन मेजर कर्नल ब्रिगेडियर एंड जनरल अवलदार इज़ अ जूनियर मोस्ट तो जूनियर मोस्ट को मैं नीचे लिखता हूँ सीनियर मोस्ट को अब टॉप पे लिखता हूँ तो यहाँ मुझे उल्टा लेके चलना था ठीक है ईच ऑफ दैम इज अ डिफरेंट स्टेट्स ये आपके डिफरेंट स्टेट्स के हैं एन इज इमीडिएटली सीनियर टू ए ए से इमीडिएटली सीनियर एन है एन इमीडिएटली जूनियर टू टी टी हु इज फ्रॉम पंजाब ये आपके सामने तीनों एक साथ आएंगे चलो कर लेंगे जी इज सीनियर टू सी सी से सीनियर कौन है जी है सी हु इज नॉट पोस्टेड इन गुजरात जो गुजरात में नहीं पोस्टेड है द पर्सन हु इज पोस्टेड इन असाम इज जूनियर टू द पर्सन हु इज उड़ीसा उड़ीसा से जूनियर है बट ये असम वाला इज इमीडिएट सीनियर टू हरियाणा है एक सेकंड कुछ गड़बड़ मैंने कर रही है क्या हाँ यार मैंने गड़बड़ कर दी मैंने गड़बड़ कर दी एन इज़ इमीडियटली सीनियर टू ए से सीनियर को मैंने ऊपर लिखा और यही एन नहीं यहाँ सही है यहाँ वाली लाइन में मैं गड़बड़ कर रहा था असम इज इमीडिएट जूनियर टू द वन इज़ उड़ीसा तो भैया उड़ीसा से जूनियर है तो असम नीचे आएगा और यही असम इमीडिएट सीनियर है पर्सन इज अब बिल्कुल सही है पहले गलत तो ये तीनों एक साथ आएंगे। जहाँ पे भी आएंगे तीनों एक साथ आएंगे अच्छा अच्छा ठीक है रविंदर ओके ओके ओनली फोर पर्सन बिटवीन सीनियर टू क्यू हु पोस्टेड इन केरला बहुत सही ओनली फोर पर्सन इज सीनियर टू क्यू वन टू थ्री फोर क्यू जो कि केरला आ जाए ठीक है अब एक चीज समझो यहां पे कि तुम्हें तीन की जगह चाहिए थी टी एन ए या तो वो टी एन ए ऐसे आएंगे या क्यों तुम चाहो तो कर लो आगे भी पढ़ सकते थे तो कैंसिल हो जाता वैसे टी एन ए टी मुझे पता है पंजाब से टी मुझे पता है पंजाब से अब तुम खुद ऑब्जर्व करोगे कि ये तीन स्टेट कैसे आएंगे उड़ीसा असम हरियाणा उड़ीसा असम हरियाणा उड़ीसा आसाम तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ये तीन स्टेट यहां आएंगे उड़ीसा असम हरियाणा बोलो बात बराबर द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू टी इज सेम एज जूनियर टू गुजरात टी यहां है तो गुजरात ये हो जाएगा सी से ऊपर जी आना है अगर सी करते हैं तो सी गुजरात हो जाएगा तो सी यहाँ हो जाएगा और जी ये हो जाएगा एक व्यक्ति बच रहा है दैट इज ए सी जी एल एल बच रहा है और एक स्टेट बच रहा है दैट इज uh, तेलंगाना कितनों का सेम ही बनाता दो मिनट का आराम से क्वेश्चन बन जाता ये फर्स्ट वाला राइट right है बिल्कुल फर्स्ट वाला ही राइट right है ठीक है ना चलो इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है डोंट वेस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन एट फर्स्ट साइट If you crack the logic, then only attempt. Otherwise, skip कर दो ये याद रखना ठीक है ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी बताऊंगा ऐसा इसलिए कह रहा हूँ सुनो यहाँ ना एक अलग ही तरीके से चल रहा है देखो सीरीज़ निकालनी है तो आर से एन एन से जी जी से यू पहले ये पैटर्न करो आर एन जी यू वॉट इज़ द पोजिशन नंबर अट्ठारह चौदह सात इक्कीस अब हम डिफरेंस देख लें इसमें हुआ माइनस फोर इसमें हुआ माइनस सेवन इसमें हुआ माइनस ट्वेल्व ठीक अब चार से तीन तीन सात नहीं और देखो यहाँ हुआ चार तीन चार से तीन मतलब ठीक यहाँ हुआ चार तो यहां होगा पांच मतलब माइनस कितने का हो जाएगा उन्नीस यू से माइनस उन्नीस करेंगे तो क्या आएगा इक्कीस से इक्कीस से माइनस करेंगे तो क्या आएगा बी B तो बी से आने वाला जो पहरा है एक ऑप्शन नंबर बी है डी है बस बाकी सब रिजेक्ट बात समझना बहुत अच्छा है ऐसा लॉजिक आता है तो स्किप कर देना बच्चों मेरे हैं प्यारे बच्चों ठीक है ऐसा भी होता है आपने अगर नंबर सीरीज़ मैथ्स में पढ़ी होगी तो आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे मतलब कोई दिक्कत नहीं बनेगी ठीक है बट अगर आप नंबर सीरीज़ में वीक हैं तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी दिक्कत देखने को मिल सकती है अब देखा जाए अगर नंबर्स की तो पाँच छः नौ पंद्रह ये बहुत इजी है जो कठिनाई थी वो आपको मैंने लेटर्स वाले में ही थी अब आराम से आप देख सकते हो प्लस चार है ना प्लस चार प्लस छ हो रहा है और यहाँ हो जा रहा है प्लस आठ तो आगे क्या आएगा देखो चार दो छ छ दो आठ आठ दो दस आठ दो दस तो प्लस दस कर देंगे तो तैंतीस ते हो जाएगा नंबर तो बी के बगल में तैंतीस ते होना चाहिए तो तैंतीस ते यहाँ पे भी है और यहाँ नहीं है बस ख़त्म और आगे हमको मुद्दा ढूंढना नहीं है अपना नया दिमाग कुछ नहीं लगाना है ठीक है तो आंसर होगा बी थर्टी थ्री एच किसी भी फलाने लॉजिक से आ जाएगा वो डजेंट मैटर आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रविंदर बिल्कुल परफेक्ट बताया तो अच्छा क्वेश्चन था ये ठीक है अब आया आपके सामने एक टेन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं बड़े खतरनाक खतरनाक नाम हैं हो सके है तो छोटा छोटा लिख लिख के काम कर लो लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत ईजी है देखो इसलिए कह रहे हैं इसको फ्री स्टाइल मैथड से इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फ्री स्टाइल मैथड इज बेस्ट वेन एवर यू डोंट नो एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड बट इन दिस क्वेश्चन इट इज़ क्लियरली मैंशन देअ टेन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स होंगे बुलडॉग एंड ये पुग सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो सो मेन्शन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन पी यू जी यहाँ आएगा पी यू जी यहाँ आएगा बात बराबर लेब्राडोर सेट्स एडजशन टू पी यू जी लेबरा एंड लेब्रा ठीक है एटलीस्ट फाइव जर्मन एंड चोरा लिख लो सिक्स डॉग सेट्स बिटवीन पग एंड एफाडोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एफा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एफाडोर लेब्रा और एफाडोर में एक दो तीन चार पांच लोग हैं तो पग और पूडल में भी पांच एक दो तीन चार पांच पूडल एक दो तीन चार पांच पूडल पूडल बुलडॉग इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ पुडल क्या लिख पाओगे बुलडॉग पे वन टू थ्री फोर्थ नहीं ऑप्शन वन एलिमिनेटेड वन टू थ्री फोर्थ बुलडॉग बहुत प्यारा सवाल था यार ये भी आ? और कुछ चिहोना और जर्मन के बीच में एटलीस्ट फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो यार यहीं आ सकते हैं चिहोना और जर्मन देखो एक दो तीन चार पाँच हाँ और ये बात भी बोली थी चिहोना सिट्स टू द राइट ऑफ बीगल तो हंड्रेड परसेंट ये पता चल गया कि चिहोना को यहीं आना पड़ेगा और यहाँ आना पड़ेगा जर्मन को और ये बोला है कि शिंटूजू के थर्ड लेफ्ट में बीगल वन टू थ्री नहीं और बीगल देखो बीगल के राइट साइड में ही तो है और बाकी यहां आ जाएगा एक बहुत बड़ा नाम होगा एफ एन न, स्टार ये वाला कुत्ता तो ये सबका ये वाला डायग्राम बना होगा आंसर मैच करा लेना सब लोग ठीक है ना चलो अब आपके सामने एक आया एक ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा और ये आएगा फिर हम लोग ये करेंगे मतलब तीन क्वेश्चन शायद इनक्वालिटी के फिर खत्म होने वाला मतलब मात्र आप अगर अपना टाइम मुझे दे दे दस मिनट और सेट खत्म हो जाएगा ठीक है चलिए कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द फेसिंग सेंटर तो हमने ऐसे केसेस में हमेशा दो डायग्राम बना लेने हैं उसके बाद बोला कि सभी लोगों ने अंदर क्यों देखा ईश्वर स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बिनोद ये मान लीजिए बिनोद है तो वन टू थ्री ईश्वर आपके सामने यहाँ पर है ये रहा विनोद वन टू थ्री ये आपके सामने ईश्वर है ठीक प्रदीप सिक्स स्टैंडिंग सिक्स टू द राइट ऑफ विनोद वन टू थ्री फोर फाइव का गैप देख के प्रदीप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे मतलब प्रदीप वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है मोहन इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रदीप प्रदीप के इमीडिएट राइट में कौन है मोहन है प्रदीप के इमीडिएट राइट में कौन है मोहन है टू पर्सन बिटवीन मोहन एंड राहुल मोहन वन टू राहुल यहाँ पे आ सकता है ये और मोहन वन टू राहुल ये हो सकता दोनों पॉसिबिलिटी लेके साथ चल रहे हैं प्रभु इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ मोहन मोहन के इमीडिएट राइट right में कौन है प्रभु है कौन है प्रभु मोहन के इमीडिएट राइट right में कौन है प्रभु ओनली वन पर्सन बिटवीन प्रभु एंड गौतम प्रभु एक का गैप गौतम आएगा नहीं एक का गैप गौतम हु इज स्टैंडिंग गौतम एंड ईश्वर आर इमीडिएट नेबर मतलब अब इस इतने जोन में कोई भी नहीं आएगा अगर कोई आ गया तो इमीडिएट नेबर गौतम और ईश्वर नहीं होंगे प्रभु एक गैप गौतम नहीं लिख पाओगे क्योंकि राहुल है एक गैप गौतम नहीं लिख पाओगे क्योंकि प्रदीप है ये वाला केन्स कैंसिल हो जाएगा अच्छा गौतम इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ ईश्वर ईश्वर के लेफ्ट में ही आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट बन गया कितने नंबर ऑफ पर्सन हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन संगे फोर्टीन होंगे है ना परफेक्ट टाइमर नहीं दिया था मैंने कोई बात नहीं अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करो धड़ाधड़ उड़ा लोगे इस क्वेश्चन को मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपना कॉन्टैक्ट लेके चलना है इस क्वेश्चन में तो क्योंकि कहीं ब्रेक नहीं हो रहा कोई भी चीज़ कहीं ब्रेक नहीं हो रही मतलब सीरीज कहीं ब्रेक नहीं हो रही तो आप आराम तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो देट इस ना तो ऑप्शन नंबर वन काम कर रहा है ना तो ऑप्शन नंबर टू काम कर रहा है इस पूरी सीरीज़ में तो आंसर विल बी नाइदर सी नाइदर इधर वन और टू इस सीरीज में भी देखा जाए तो आपके सामने कोई सीरीज ब्रेक नहीं हो रही है, तो आराम से बस पैटर्न जो अपना फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि भैया एरो मूव कर रहा है कि नहीं तो आर से क्यू देख लो एक बार हाँ ब्रेक हो रहा है यहाँ तो आर से क्यू आर और जेड और फिर हम तो हिल ही नहीं पाएंगे ये भी नहीं बन पाएगा आई से जेड देख लेते हैं आई से जेड आई से के ना 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 ये भी नहीं बन पाएगा ना इधर ना इधर वन और टू ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने गिरा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग एलिमेंट्स यहाँ डाल रखे हैं बट कन्फ्यूज़ नहीं होना अगर कन्फ्यूज होगी तो गड़बड़ हो जाएगी पी से एस तक जाना है तो पी पी डब्लू डब्लू और डब्ल्यू डब्लू देखो पी से डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर डब्लू डब्ल्यू से वी 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 से एस चले गए बिल्कुल सही बात वी वी को अगर हम ऐसे डालते तो बिल्कुल परफेक्ट ये बन रहा है लेकिन ये नहीं बनेगा तो आंसर होगा ओनली वन फॉलो विल बी द करेक्ट आंसर होप सो आज आपके स, जितने भी लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको सवाल का लेवल बिल्कुल एल आई सी डबल ए के ही जैसा लगा होगा है ना तो बाकी अगर आप मेंस के लिए भी सोच रहे हैं अगर आप प्री दे के आ रहे हैं और मेंस के लिए भी सोच रहे हैं तो भाई पीडीएफ कोर्स आपका बेस्ट है अगर आप एल आई सी को ही केवल टारगेट किए के तो आप थ्री नाइन्टी नाइन में आप परचेस कर सकते हैं अदरवाइज अभी आपका आर बी आई असिस्टेंट आने वाला है आई वी पी एस पी ओ आने वाला है आई वी पी एस क्लर्क आने वाला आई वी पी एस आर आर बी पी ओ आने वाला है आर आर बी क्लर्क आने वाला है वाला है है ना मेबी एसबीआई क्लर्क भी आएगा एसबीआई पीओ भी आएगा इन सभी एग्जाम्स में से कोई एक एग्जाम एक अपने नाम करना चाहते हो तो गाइडली का पीडीएफ बंडल जरूर देख लेना एक बार ठीक है चलो इसी के साथ-साथ खत्म